घुग्गुस में स्थित राजीव रतन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन जाम के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुरुवार की शाम एक मालगाड़ी ट्रेन से गुजरने के बाद रेलवे फाटक बंद हो गया, जो करीब 30 मिनट तक बंद रहा। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर फाटक बंद होने के चलते लोग जाम में फंसे रहे। रेलवे क्रॉसिंग घुग्गुस लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। घुग्गुस रेलवे साइडिंग से प्रतिदिन 40 से अधिक ट्रेनों का आना जाना है। रेलवे फाटक बंद होने से जाम लगा रहता है। स्थिति यह है कि हर घंटे पर ट्रेनों के गुजरने से 10 से 15 मिनट तक फाटक बंद होने के चलते वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। गुरुवार की शाम करीब 6 बजे एक मालगाड़ी ट्रेन के लिए रेलवे फाटक को बंद किया गया था। ट्रेन के गुजरने के काफी देर बाद फाटक नहीं खुल सका। रेलवे गेट में लगे पाइप क्षतिग्रस्त होने से करीब 30 मिनट बंद रहा, जिस वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए घुग्गुस ट्रैफिक विभाग तैनात थी। तीनों ट्रैफिक पुलिस हवलदार विनोद लोखंडे, नाईक गजानन झाड़े, पुलिस हवलदार मानिक चंद चौधरी ने मोर्चा संभाला। रेलवे गेट के अस्थायी व्यवस्था की रेलवे गेट में लगे लोहे के पाइप को काफी देर उठाकर रखने के बाद ट्रैफिक सुचारू रूप से चल पाए। ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के रूप में देखने को मिला।